तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CGPSC चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर अप कर लिया था और वहां पर हमने सीख लिया था कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप वो मेथड जो मैंने आपको ब्रेक डाउन कर करके 3 स्टेप्स में समझाया था, ठीक है, अगर वो स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वापिस से वीडियोस के व्यूज काफी अच्छे हैं आप लोगों की तरफ से, उसके लिए थैंक यू। बट आप लोग थोड़ा सा चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सब्सक्राइब करोगे तो वो और भी ज्यादा लोगों तक क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 3x² + 11x एंड उसके बाद +10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और = 0। इसको सॉल्व करना है हमको किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड, 3x² + 11x + 10 = 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम आप क्या होगा, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² as 1। तो अब मैं वो बार बार स्टेप आपको नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, हम लोग अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा समझा दिया था 3 स्टेप। पहला स्टेप में क्या करते हैं, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। और फिर फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सो गिवन दैट हमारे पास जो अभी इक्वेशन है 3x² + 11x + 10 = 0। अब मेकिंग द कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को 1 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर अगला स्टेप लिखेंगे, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये कैसा हो जाएगा, देखो 3x² / 11x / 3 + 10/3 = 0। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² बचेगा + 11x / 3 बचेगा + 10/3 = 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, किसकी एडिंग और किसकी सब्ट्रैक्टिंग करनी है, तो इसको हम लोग यहां पर रफ कर लेते हैं। हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें ध्यान से देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 11/3। तो हम लोग यहां पर 11/3 जो भी आएगा उसके स्क्वायर का एडिशन करेंगे और उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 11 × 11/6, तो 11/6 के स्क्वायर का एडिशन करेंगे और 11/6 के स्क्वायर का हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है करेंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन फिर कैसा हो जाएगा, देखो x² + 11x / 3 + 10/3 + 11/6 के स्क्वायर का एडिशन और इसी का सब्ट्रैक्शन। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में आप सेम चीज का जब एडिशन कर लेते हो और सेम चीज का जब सब्ट्रैक्शन कर लेते हो तो उससे उस इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग फिर यहां पे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा और इसमें से जो एडिशन वाला टर्म होगा उसको आपको तीनों को क्या करना है, एक साथ रखना है। तो आप इस तीनों को एक साथ रख लो, x² + 11x / 3 + 11/6² और बाकी जो भी टर्म्स बचे उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्या बचा, -11/6 का होल स्क्वायर इधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो माइनस ये जो +10 वाला है ये क्या हो जाएगा, इधर जाके -10/3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। प्लस कैसे बनेगा, कैसे पता चला, क्योंकि सेकेंड टर्म यहाँ पर प्लस है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा किसका, एक्स प्लस इलेवन बाई सिक्स के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 10 अपॉन में 3। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे 11 बाई 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 121। अब जब 36 को आप इस 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, तो 12 का मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो जाएगा इसके साथ, तो 12 टेंजा कितना हो जाएगा 120। नाउ x प्लस 11 बाई 6 होल स्क्वायर, 121 में से 120 जाएगा तो 1 बचेगा और अपॉन में 36, तो ये जो होल स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 11 बाई 6 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बन के ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 6, ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट से कोई भी चीज प्लस और माइनस बन के बाहर निकलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग वहां पर साइड में इसको सॉल्व। अब यहां तक हो गया, अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है, तो इसको यहां साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट है, इसके बाद आपको यहां लिखना है, ठीक है, फिर इसके बाद आपको इधर जाना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 टेकिंग पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव लेंगे तो किसका हो जाएगी, एक्स प्लस 11 बाई 6 और इज इक्वल टू 1 बाई 6। ठीक है, तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 6 माइनस 11 बाई 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 और ये हो जाएगा 1 माइनस 11, सो 1 माइनस 11 का मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस 10 बाई 6, माइनस 10 बाई 6 को और क्या लिखा जा सकता है माइनस 5 बाई 3। ठीक है, पहला आंसर क्या हो गया माइनस 5 बाई 3। ठीक है, अब एक बार आप नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव लेने से क्या आएगा, देखो टेकिंग नेगेटिव, सो हमारे पास क्या है x प्लस 11 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, सो अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर देखो ये प्लस 11x इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 11 बाई 6, फिर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 11, दैट मीन माइनस 12 बाई 6, 6 वन जा 6 टू जा, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई माइनस, तो x की फर्स्ट वैल्यू है माइनस 5 बाई 3 एंड सेकेंड वैल्यू इज माइनस 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर एंड उसके बाद है माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यह माइनस है यह माइनस है इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखो Given that हमारे पास कितना है 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0। ठीक है, now अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेज x square का coefficient को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। On dividing 5 both side, if we divide 5 both sides, then what we get 5x square upon 5 minus 6x upon 5 minus 2 upon 5 is equal to 0. 5 and 5 will be cancelled out. So what we get x square minus 6x upon 5 minus 2 upon 5 is equal to 0. Now what is our second step? Second step is adding and subtracting the half of coefficient of x square. ठीक है? So आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? Add and subtract क्या half of coefficient of x square, तो half of coefficient of x square कितना आएगा देख लेते हैं, half of का मतलब into coefficient of x square कितना है 6 by 5। यहां पर आपको sign को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप यहां पर sign को ignore कर सकते हो, तो यहां पर कितना आएगा 6 1 जा 6 5 2 जा 10, तो 6 by 10 का whole square का हमको इसमें addition करना पड़ेगा और उसी का subtraction करना पड़ेगा, तो add and subtract 10 by 6 whole square। ठीक है, अब देखो
जब इसमें हम लोग इसमें एडिशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स अपॉन में फाइव माइनस टू बाई फाइव प्लस सिक्स बाई टेन होल स्क्वायर माइनस सिक्स बाई टेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब मैंने आपको बताया था तीन टर्म्स को आपको एक साथ रखना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और इसमें जो एडिशन वाला रहेगा, इन तीनों को हम लोग एक साथ रखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स अपॉन में फाइव प्लस सिक्स बाई टेन का होल स्क्वायर, और ये माइनस टू बाई फाइव इधर जाके हो जाएगा प्लस टू बाई फाइव, और ये माइनस सिक्स बाई टेन इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस सिक्स बाई टेन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस है, सो इट विल बिकम ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट विल बिकम टू अपॉन फाइव प्लस इट विल बी थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड, ठीक है, सॉरी यहां पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये साइड ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू, एक्स माइनस सिक्स बाई टेन होल स्क्वायर, जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो 5 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, और फिर जब आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20, तो 20 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट विल बिकम 20 टू जर 40 प्लस 36, ठीक है। नाउ एक्स माइनस सिक्स बाई टेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 7, ये हो जाएगा 76, 76 अपॉन में हो जाएगा ये 100, ठीक है। नाउ आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये 38 टूजर और ये हो जाएगा 50 टूजर, और कैंसिल करोगे 19 टूजर और ये हो जाएगा 25 टूजर, ठीक है। सो हमको क्या मिल गया, x माइनस सिक्स बाई टेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 अपॉन 25। नाउ ये जो स्क्वायर है इसको आप ट्रांसफर करो तो x माइनस सिक्स बाई टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 19 अपॉन में 25 आएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस सिक्स बाई टेन इज इक्वल टू ये प्लस माइनस रूट 19 बनेगा, 25 क्या बन के बाहर निकल जाएगा 5, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार आपको क्या करना है नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो मैं यहीं पर शॉर्ट में समझा देता हूं, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, आप पूरा स्टेटमेंट जो है लिख लेना, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर टेकिंग पॉजिटिव, सो x माइनस सिक्स बाई टेन विल बी इक्वल्स टू रूट 19 अपॉन में 5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये माइनस वाला टर्म इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो रूट 19 बाई 5 प्लस 6 बाई 10, सो 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 रूट 19 प्लस 6, तो फर्स्ट आंसर कितना है आपका 6 प्लस 2 रूट 19 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। उसके बाद आप जब नेगेटिव लोगे, नेगेटिव को मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, जब आप नेगेटिव लोगे नेगेटिव, सो x माइनस 6 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। नाउ जब आप माइनस इधर को इसको ट्रांसफर करोगे तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस 6 बाई 10 और ये तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस रूट बाई 5, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10 और ये तो रहेगा 6, अब 5 को 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 19 करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, और हमारा फर्स्ट आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 19 डिवाइडेड बाय 10, तो ये प्लस लेने से आया था और वो माइनस लेने से आया, ठीक है। आप एक बार पीछे आंसर चेक कर लेना, ठीक है, मैं आंसर जो है चेक नहीं कर रहा हूं, नोटेड डाउन। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक बार देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर यहां पर है आपके पास माइनस 4 रूट 2 एक्स एंड दैट विल बी द प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट वी हैव गिवन, दैट गिवन दैट
एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जब इस क्वेश्चन को देखोगे और बाकी इसके के पहले के तीन क्वेश्चन को देखोगे तो एक डिफरेंस आपको यहां पर यह दिखेगा कि पहले के तीनों क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो वन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है वन, मतलब आपको स्टेप नंबर वन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कहां से चालू करोगे स्टेप नंबर टू से। और स्टेप नंबर टू क्या होता है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट। तो यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, फोर रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फोर रूट टू अपॉन में टू का होल स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को सीधा यहां से स्टार्ट करोगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फोर रूट टू अपॉन में टू होल स्क्वायर करके, ठीक है। अच्छा, आप इसमें तो एक और चीज सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको, टू वन जा टू टू जा, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू रूट टू होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एडिशन करेंगे और उसी का सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहां से अब सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट टू रूट टू होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट टू एक्स प्लस सिक्स प्लस टू रूट टू होल स्क्वायर एंड माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और जिसमें एडिशन वाला टर्म रहेगा तीनों को एक साथ रखना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट टू एक्स प्लस टू रूट टू होल स्क्वायर, ये तीनों को एक साथ। अब ये जो माइनस वाला टर्म है इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस टू रूट टू, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नाउ ये जो है किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का, क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म माइनस है, सो a माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी टू रूट टू स्क्वायर है, ठीक है, सो टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ओपन होकर देखो, टू टू जर फोर, फोर टू जर एट, एट माइनस सिक्स हो जाएगा, टू का भी स्क्वायर होगा और रूट टू का भी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब कैसे है देखो, ये ऐसा ओपन होगा टू स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे एट, ठीक है। नाउ यहां से क्या हो जाएगा देखो, एक्स माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर, अब एट में से सिक्स जाएगा तो बचेगा टू, नाउ अब आप इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस रूट टू, ठीक है। अब इसके बाद आपका स्टेप फिर से वही से, एक बार आपको क्या ले लेना है पॉजिटिव और एक बार आपको क्या ले लेना है नेगेटिव, जब आप पॉजिटिव लोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, जब आप नेगेटिव लोगे आपको सेकेंड आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू रूट टू हो जाएगा, देखो फिर इसके बाद देखो x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस टू रूट टू, तो देखो वन रूट टू और टू रूट टू एड होकर कितने हो जाएंगे थ्री रूट टू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमको कितनी मिली थ्री रूट टू। अब उसके बाद एक बार आप क्या कर लो, टेकिंग नेगेटिव, जब आप नेगेटिव लोगे तो x माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू आपके सामने माइनस टू रूट होगा, अब ये वाला तो इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस रूट टू प्लस टू रूट टू, अब देखो टू रूट टू में से वन रूट टू जाएगा तो वन बचेगा प्लस में, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया x इज इक्वल टू रूट टू, सो फर्स्ट वैल्यू इज थ्री रूट टू एंड सेकेंड आंसर इज रूट टू, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें वन था, ठीक है, चलो यहां तक हो गया नोटेड डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ठीक है, हमने चार क्वेश्चन कर लिए और आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो ये जो दो क्वेश्चन है इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, या फिर आप अपने से खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करने में अलग होता है और जब आप खुद इस चीज को अप्लाई करोगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, मैं क्वेश्चन आपको करेक्ट करा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है ये है थ्री एक्स स्क्वायर, बीच में आप लोग लिख लीजिए प्लस और यहां है माइनस वन,
इज इक्वल टू जीरो और यह है एक्स स्क्वायर, यहां पर है माइनस और यहां पर है प्लस। तो ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिफ्थ वाला क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स से ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बन जाता है दैट मीन्स आप मेरे वीडियोज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो और अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सिंसियरली इस वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को धोखा नहीं देना, आप दुनिया में किसी भी आदमी को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं। तो पढ़ाई में जो है अपने आप को जो है चीट नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, क्या बोल रहा है देखो। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ रूट सेवन, यहाँ पर प्लस है, फिर रूट सेवन प्लस, फिर रूट सेवन प्लस, रूट सेवन प्लस एंड सो ऑन। कहां तक गया है पता नहीं, इंफिनिटी तक जो है ये गया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है देखो, हमसे ये इसकी वैल्यू जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बस देखने में हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में जो है आने के चांसेस जो है बने रहते हैं, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट, ठीक है, या फिर हम लोग लिख लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू जो दिया है उसको वाई मान लेते हैं। तो सेवन, फिर उसके रूट में सेवन, फिर उसके रूट में सेवन प्लस एन सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है हमको, ये कहां तक गया है डेस 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 मतलब इन्फिनिटी तक गया है। अगर उस इन्फिनिटी में से एक सेवन को मैं कम कर देता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है नहीं। तो अगर मैं इस रूट सेवन को अलग लिख लेता हूं तो बाकी जितने भी बचे वो सबके सब भी क्या होंगे, ऑलमोस्ट वाई के ही बराबर होंगे, ठीक है। तो एक बूंद किसी से निकाल लेने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से हम लोग सुने नहीं समुद्र से एक बूंद निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस रूट सेवन में से एक रूट सेवन को आप अलग लिख लो तो बाकी जितने भी बचे वो सब वाई के बराबर ही होंगे, उसमें से बस छोटी सी एक वैल्यू कम हो जाएगी जो कि नेग्लेजिबल है। तो एक सेवन को अलग रखे और बाकी पूरे को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, अगर माइनस भी दिया होगा तब भी आपको ऐसे ही करना है, प्लस भी दिया होगा तब भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या की समझ में, रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन दिया है तो उसमें से एक रूट सेवन को अलग कर दिए और बाकी सबको एक साथ रख दिए तो बाकी जितने भी बचे वो सब वाई के ऑलमोस्ट बराबर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा सेवन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा सेवन प्लस वाई, सेवन प्लस वाई और फिर इधर आके हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई, इधर आके माइनस वाई, प्लस सेवन इधर आकर हो जाएगा माइनस सेवन। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको याद हो गया है तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप हमको क्या देखना होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर दिया है या वाई स्क्वायर दिया है उसका कोएफिशिएंट वन है कि नहीं। तो इस केस में तो वन है तो हमको सेकेंड स्टेप से डायरेक्टली करना पड़ेगा और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई कितना है अभी वन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन वन जा वन अपॉन में टू, तो वन बाई टू के स्क्वायर का आपको एडिशन करना पड़ेगा और वन बाई टू के स्क्वायर का आपको सब्ट्रैक्शन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट यहां पर आप नहीं लिख रहा हूं, आप उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ रखना है, सो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस हाफ का स्क्वायर, बाकी जितने बचे सबको ट्रांसफर करो, माइनस सेवन इधर जाकर हो जाएगा प्लस सेवन और माइनस वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला देखो पूरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, y माइनस वन बाई टू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का, तो y माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर हो जाएगा सेवन प्लस स्क्वायर को ओपन करोगे तो वन बाई फोर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन फोर जो ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस वन कितना हो जाएगा 29, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद इस स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर लो तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, y माइनस हाफ और ये तो रूट 29 जो है क्या बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस रूट 29 और 4 क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बार आप पॉजिटिव ले लो, एक बार आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो टेकिंग यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पर एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, तो वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस रूट 29 बाई टू,
जब आप ये लोगे तो ये माइनस वाला इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो आंसर विल बी √29 + 1, या आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो, 1 + √29 / 2। ठीक है, आप एक बार नेगेटिव ले लो, जब आप नेगेटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो नेगेटिव लेने से y - ½ = −√29/2। अब ये माइनस हाफ इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हाफ, तो −√29/2 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगेन सेम आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, −√29 + 1, या आप चाहो तो प्लस वन को पहले यहां लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है, आप यहां तो नोट डाउन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, दो पॉजिटिव हमको क्या निकालने हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है, ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने हैं। और बोल रहा है कि सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, और उनके स्क्वायर का जो समेशन, जैसे पहला नंबर अगर ए है और दूसरा नंबर अगर बी है, तो इनके स्क्वायर का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, 365 जो है होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, आपको दो नंबर पता है क्या, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं पता है, तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे। ठीक है, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस वन, क्योंकि वन जोड़ने से ही तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का जो समेशन है, तो पहला नंबर x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरा नंबर x प्लस वन है तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, उनके स्क्वायर का समेशन ना, उसका समेशन नहीं, उसके स्क्वायर का जो समेशन है वो कितना है, 365 है। अब देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अब इसको तो एक्सपांड करना पड़ेगा, तो एक्सपांड कैसे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह x स्क्वायर, b के जगह 1 का स्क्वायर, और 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 365। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में ऐड होकर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2x, और 365 इधर आके कितना हो जाएगा, −365 = 0। ठीक है, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ये 365 नहीं है, ये है 85 है। ठीक है, ये 85 है, ये भी 85 है, और ये भी, ये वाला जो है, इस लाइन को हम लोग काट देते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 85। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 85 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x और 84 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और लास्ट टर्म कितना है, −84। जब आप दोनों को करोगे तो ये कितना आएगा आपका, −8, और ये हो जाएगा −168। अब −168 का एक बार आप एलसीएम ले लो, किसमें किसमें स्प्लिट होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42, फिर ये हो जाएगा 2, 21 से जाएगा, 21 फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ 7 बचेगा। अब आपको पेयर ढूंढना है, आपको इसमें से पेयर ऐसा ढूंढना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले, प्लस 2 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, −168 मिले। ठीक है, तो पेयर ढूंढते हैं, तो 2 2 4 2 8, 8 और 21 लेते हैं, अगर इन तीनों को मानते हैं तो 2 2 4 2 8 और 7 3 21 नहीं होगा। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 4 3 12 और 7 2 14। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से पेयर हमारा क्या बनेगा, प्लस 12 बनेगा और क्या बनेगा, 14 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस 2 है, तो बीच वाले हमको बड़ा नंबर को क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपसे यहाँ पर पेयर बनाना आपको समझ में आ गया होगा। 2 2 4 2 8 ले रहे थे तो नहीं बन रहा था, तो हमने क्या किया, 2 2 को लिया और 1 3 को लिया, तो 2 2 4 3 12 हो गया, और 7 2 को एक साथ रखे, तो इसमें से 14 जो है प्लस में रहेगा, और 12 किस में रहेगा, ये माइनस में जो है रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² + 14x - 12x - 84 = ये।
ठीक है। अब देखो दोनों से क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर में बचेगा x प्लस सेवन, यहां से निकलेगा कॉमन तो x प्लस सेवन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहां से 2x माइनस 12 कॉमन निकलेगा और यहां से निकलेगा x प्लस सेवन कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इज इक्वल टू जीरो होगा, तो एक बार आप 2x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो ले लो, तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो ले लिए और एक बार x प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो ले लिए, ठीक है। तो देखो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 12, और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7, ठीक है। तो देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ तो माइनस 7 पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, इसीलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 6, तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ पर माइनस 7 को क्यों इग्नोर किया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव था। भले ही आपका आंसर सेवन मिल गया यहाँ भी, लेकिन वो एक कॉन्सिडेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर चाहिए तो आपको माइनस 7 को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, नोटेड डाउन, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 85 है, 365 नहीं है, क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लेना उसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड द नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 20 है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगेन हम लोग कौन कौन से लेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मान लो आपके पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 20, तो प्रोडक्ट मतलब यही हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। अब आप इसको स्प्लिट कर लो, तो स्प्लिट किसमें किसमें होगा, ये स्प्लिट होगा प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x कॉमन ले लो, x प्लस 5 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लो, x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है, x प्लस 5 और यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी x की माइनस 5, लेकिन क्वेश्चन में तो प्लस बोला है, प्लस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, ये माइनस वाला नहीं आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 4, तो दूसरी वैल्यू ऑब्वियस से क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो भले ही 5 आ गई, लेकिन आपको इस माइनस वाले को आंसर में नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, फोर्थ भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या, देखो फाइंड टू नंबर हुज सम इज 48 एंड हुज प्रोडक्ट इज 432, ठीक है। दो नंबर्स हैं जिसमें से समेशन कितना है, 48 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 432 होना चाहिए। तो क्या आपको वो दो नंबर पता है, आंसर है नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। अब आप सीधा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y जो है वो कितना है, 48 है इक्वेशन वन, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, उसका प्रोडक्ट है 432, ये हो गया इक्वेशन टू। अब हम लोग इक्वेशन वन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। तो पुट इन, यहां पर आप लिख लेना पुट इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर रख लो 48 माइनस वाई और इनटू वाई इज इक्वल टू 432, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 48 इंटू वाई, 48 वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 432, ठीक है। अब यहाँ पर इस सबको इधर ले आओ या फिर सबको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 432 माइनस वाई इधर जाके हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस 48y, फिर सबको उल्टा लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अरेंज करके लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 48y 430 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर हो जाता है तो आप उससे कर लीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग किससे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देख लेते हैं किसमें किसमें फैक्टराइज हो गए, सबसे पहले 2 से जाएगा 216, फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा ये 54,
फिर 2 से जाएगा ये 27, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, 9 3 जा 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 जा, फिर जाएगा 3 से। अब आपको पेयर ऐसा ढूंढना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले, -48 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, +432 मिले। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, देखो आपका y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म कितना है 432, तो कितना आएगा 432 ही आएगा। अब पेयर बनाते जाते, देखो 2 2 4 2 8 2 16 16 यहां तक आता है 16, 3 3 9 3 27, तो क्या 16 और 27 को ऐड करने से 48 मिलता है क्या? ठीक है, आप लोग इस तरीके से चेक करोगे, ठीक है। 16 प्लस 27 को करने से 43 मिलता है, 48 नहीं मिलता है, ठीक है। चलो कुछ और नंबर देखते हैं, और कुछ पेयर बना के देखते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है 48, ठीक है, और 3 3 जा होता है 9, इसमें भी स्प्लिट नहीं होगा ये, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा, मतलब 3 और 3 और 2 का पेयर बनाते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, फिर क्या बच गया हमारे पास, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो देखो 24 और 18 को ऐड करने से 48 मिलता है क्या? आंसर ये भी नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ और देखते हैं, कुछ और नंबर ऐसे हम लोग, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा होता है 54, ठीक है, मतलब इन तीनों को लेंगे यहां से लेके यहां तक, कितना हो जाएगा 54, और 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो 3 3 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 54 और 28 करने से 46 मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी पेयर नहीं बन रहा है। अब हम लोग पेयर ढूंढेंगे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो ये पेयर क्या किसमें किसमें बनेगा, आप लोग देख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 हो गया, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, 48 मिल जाएगा, लेकिन हमको तो -48 चाहिए, मतलब ये किसमें किसमें स्प्लिट हो जाएगा, -36 और -12 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला है ना, इसी में से आप ढूंढोगे ऐसा पेयर तो आपको मिल जाएगा। तो हमको कौन कौन सा मिला, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, और 2 2 और 1 3 मिल गए, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, तो ये स्प्लिट किसमें होगा, वाई स्क्वायर -36y -12y +432 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट से आपका क्या कॉमन निकलेगा y, तो अंदर में क्या बचेगा y -36, यहां से कॉमन ले लो -12, तो यहां कितना बचेगा y -36, ठीक है। एक बार आप रख लो y -12 इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली कर रहे हैं y -36 इज इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू आ गई 12, y की एक वैल्यू आ गई 36, तो दोनों ही प्लस में, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अब आप यहां से एक काम करना, अगर y की वैल्यू 12 लेते हो, तो यहां से यहां पर वैल्यू जब रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, और अगर आप y की वैल्यू 36 लेते हो यहां पर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, तो या तो आपका ये पेयर बनेगा या तो आपका ये पेयर बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, स्प्लिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आप स्प्लिट इसको इजिली कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।